सारी महिलाएं अपना सब कुछ काम धाम छोड़ के यहाँ आई, ये मायने रखता है। और इसीलिए मैं इस चीज को ध्यान में रखते हुए आपको सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ। भैया ये कैमरा वाले आप लोगों को मैं फिर उठा दूंगी, देखो कोई मतलब नहीं है, नाराज हो रहे हैं, आपको सुनाई दे रहा है। इस तरफ बैठे हुए सब मेरे सब बुजुर्गण और मेरे भाई, आप लोग सबको भी मैं बहुत बहुत प्रणाम करके धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आप लोग भी हमारी जाति से कोई कम नहीं हो। आप लोगों ने भी इस गर्मी के अंदर जिस तरीके से यहाँ बैठकर कितने घंटों से हमारी राह देख के और आज आप लोगों ने प्यार से हम लोगों का साथ दिया, उसके लिए भी आप सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देके आभार व्यक्त करना चाहती हूँ कि आप लोगों ने भी कोई कमी नहीं छोड़ी। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आज मेरे 2 महीने होने को आ रहे हैं, करीबन 4000 किलोमीटर चलने का हमको मौका मिला और 3 सभा करके अब 4थे सभा के अंदर हम लोगों ने 2 दिन पहले प्रवेश किया। पिता की कोई सरकार नाम की चीज 4.5 साल से इलाके के अंदर नहीं। अगर आंख बंद करके आंख के ऊपर पट्टी बांध के अगर वो कोई रास्ते से निकले तो उसको ये नहीं मालूम है कि उदयपुर संभाग से निकल रहा है कि कोटा संभाग से निकल रहा है कि भरतपुर संभाग से निकल के अजमेर टोंक संभाग में आ गया है, क्योंकि हर जगह पे समस्या वैसी की वैसी थी। आपकी देखो 48 घंटे में अभी मैं शिवजी राम जी से बात कर रही थी, ये स्थिति अपने सरकार के समय नहीं थी, परंतु बताते हैं कि 48 घंटे में एक बार पानी आता है हमारे अपने शहर के अंदर। बिजली तो आती ही नहीं है, ये समझो ना के बराबर है। महिलाओं के लिए मैंने अलग से लाइन दी थी, जिस महिला की लाइन से आपको 20-22 घंटे बिजली मिलनी चाहिए थी, आज मुझे लगता है कि 6 घंटे से लेकर 8 घंटे तक अगर बिजली मिल जाती है महिलाओं को तो बहुत बड़ी बात होती है, और वो भी ट्रिपिंग के साथ। किसानों की बिजली ना के तमाम समान है, आप समझिए कि 2 घंटे हो या 3 घंटे या 4 घंटे, वो भी ट्रिपिंग के साथ। ये सब जगह के अंदर जहां भी मैं गई हूं वहां मुझे एक ही बात देखने को मिली है, न रास्ता है, रास्ता इतनी खराब रास्ता हो गई है कि दच के खाते खाते मैं समझती हूँ कि आप लोगों तक हम मैं पहुंच पाई हूँ। ना सड़क है ना बिजली है, और बिजली है तो ट्रांसफार्मर अगर खराब हो गया है तो 72 घंटे में बदलता नहीं है, वो तो 2-2 महीने में बदलता है, और वो भी अगर आपने रिश्वत नहीं दिया तो ये समझ के चलो कि वो ट्रांसफार्मर आपके पास आने वाला नहीं है। ये मुसीबत चौक की, ये मुसीबत भीलवाड़ा की, ये मुसीबत आपके कोटा की, उदयपुर की, तो मुझे सिर्फ इतना बताइए कि अगर 4थे संभाग के अंदर घुसने के बाद भी यही समस्या है तो 4.5 साल ये सरकार क्या कर रही थी। अगर आदमी 65 साल के बाद अपने घर में बैठ के पानी नहीं पी सकता, अगर उसके क्षेत्र के अंदर फ्लोराइड का पानी आ रहा है, अगर 65 साल के बाद उसको सही तरीके से बिजली नहीं मिलती और खेत के अंदर किसान रोता है, उसको सही तरीके की उसकी फसल की जो पैसे मिलने चाहिए वो भी नहीं मिल रहे हैं, जो हमारे युवा हैं अगर उनको सही तरीके से नौकरी सही टाइम पे नहीं मिल रही है, और महिलाओं की अगर अत्याचार से घिर चुकी है, तो मुझे ये बताइए कि 65 साल कहाँ चले गए, ये 4.5 साल कहाँ चले गए। एक ही राज उसी कांग्रेस का राज रहा है हमारे 5 साल को छोड़ के और भैरव सिंह जी के 7 साल को छोड़ के। क्या किया इस सरकार ने? आपको मैं बता दूं, मध्य प्रदेश लगा हुआ है, मध्य प्रदेश के 10 साल उसके अंदर नक्शे भारत के में आके बैठ गया है मध्य प्रदेश, काम में आगे मिल गया है, बच्चों को नौकरियां मिल रही है, क्षेत्र के अंदर पानी बिजली और सड़क का काम है और उससे आगे भी बढ़ा दिया है मध्य प्रदेश। इधर गुजरात है, गुजरात के अंदर उनको 15 साल मिले, 15 साल के अंदर उन्होंने देश के नहीं दुनिया के मानचित्र के ऊपर ले जाकर रख दिया है उस गुजरात को। ये सब लोग जानते हैं नरेंद्र मोदी जी का काम, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का काम और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री का काम, एक तरफ तो ये, और दूसरी तरफ भाइयों मैं ये पूछना चाहती हूँ कि 4 साल का काम और 65 साल का काम, 65 साल किसी को देने के बाद अगर हमारे साथ इस तरीके का विश्वासघात कोई कर दे तो मैं समझती हूँ कि इससे और बुरी चीज क्या हो सकता है। हमारी जिंदगी निकल गई, बड़े बच्चे बड़े होने लगे, परंतु जिस हालात में हम रहते हैं मैं समझती हूँ कि ऐसे नरक में किसी को भी हम लोगों को पूजा करनी चाहिए कि ऐसी स्थिति न बने किसी की। मैं अभी देख रही थी आपके यहाँ भी अस्पताल में, ये चिल्ला चिल्ला के रह गए मेरे बोलते हैं,
कि 14 पद में से केवल 3 डॉक्टर मौजूद हैं। कितने बार कहा है, मुझे भी कहा, वहां जाके भी कहा, कितने लोगों को कहा, परंतु कोई सुनने वाला नहीं। बिजली की अघोषित कटौती कितने बार आप लोगों ने उठाई है, विधानसभा के अंदर भी उठाई, बार बार मेरे को भी कहा और वहां सरकार के अंदर भी जाके कहा। आज गांव के अंदर मुश्किल से 5 घंटे बिजली मिलती है गांव में, और ग्रामीण सड़कों की हालत तो आप लोग सब मेरे को बताते आ रहे हो। और यहाँ कॉलेज की मांग है, आपने मेरे समय के अंदर एक तो साझा के अंदर कॉलेज लिया था, परंतु आप भी मेरे को कह रहे हैं कि आगे चल के आप हमारे कॉलेज का इंतजाम जरूर करिए। मैंने उनको कहा चिंता क्यों करते हो, ये तो छोटे काम है, ये तो सरकारों को करना चाहिए। ये बिजली का काम है आपका, ये सड़क का काम है ये, और आपके पानी का काम है, ये सरकार की जिम्मेदारी होती है। और मैं आपको फिर से वादा करती हूँ, ये संकल्प है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 5 साल के अंदर आप लोगों को आपकी ये मूलभूत सुविधाएं पहुंचाने का काम किया था, उस तरीके से फिर से ये काम हम और आप मिलकर करेंगे, उसमें आपको दुखी होने की जरूरत नहीं। माताएं बहने, कितनी शर्म की बात है। अभी मैं अखबार पढ़ रही थी क्योंकि मैं दौरे पे हूँ, मैंने देखा कि जयपुर के अंदर हमारी इज्जत तो कोई छोड़ता वैसे भी नहीं, सड़क के ऊपर हमारी माताएं बहने इज्जत के साथ अपना सिर उठा के चल नहीं सकती। आज उनके साथ जिस तरीके से हालात हैं, वो मैं समझती हूँ कि दुनिया के अंदर और देश के अंदर इसके बारे में लोग लिखते हैं। मैं आपको याद दिला दूं कि 4-5 दिन पहले ये मूक बधिरों के साथ, बच्चियों के साथ जो हुआ है जयपुर के अंदर, उससे और ज्यादा शर्मनाक चीज क्या कुछ हो सकती है। हमारी बच्चियों के साथ अगर हम उनको नहीं पाल पोस सकते, हमारी बच्चियों को अगर हम सुरक्षित नहीं रख सकते, तो फिर तो हमें चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। वो बच्चियां जो बोल नहीं सक रही थी, जो किसी को बता नहीं सक रही थी, वो किन हालात में गुजरी है आप लोग सब अच्छी तरह से समझती हो। आज जयपुर के अंदर ये बात हो रही है और हमारा कांग्रेस की सरकार कुछ नहीं बोल रही है, क्योंकि राहुल गांधी वहां आए हुए हैं, तो 2 हफ्ते के लिए हम लोग कुछ नहीं बोलेंगे। जब तक कांग्रेस की सरकार वापस दिल्ली नहीं जाती, तब तक हम अपनी महिलाओं की इज्जत को बचाने के लिए कुछ नहीं करने वाले। ये किस स्थिति में हम लोग पहुंच गए हैं, मैं आप लोग सबसे पूछना चाहती हूँ। मैं भाइयों सबको कहना चाहती हूँ कि हमारी महिला की इज्जत अगर सुरक्षित नहीं है, तो हमारी घर की इज्जत मिट्टी में मिल जाती है। जिस दिन हमारी महिला की इज्जत सुरक्षित है, उस दिन हमारा घर आगे बढ़ेगा, ये विश्वास करके चलो। और ये जरूरी है कि हम लोग सब मिलें और एक साथ ये तय करें कि जो हमारे साथ हालात हो रहे हैं, उन हालात के अंदर हम एक मिनट भी अब जीना नहीं चाहते। और हम चाहते हैं एक ऐसी सरकार जो हमारा काम करेगी, जो हमारी बात को सुनेगी, जयपुर के अंदर बैठ के, एसी के अंदर बैठ के ये नहीं करेगी कि हाँ सब कुछ बड़ा आराम से चल रहा है, राजस्थान में किसी चीज की कमी नहीं है। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ भाइयों, यहाँ डॉक्टर की कमी है ना, डॉक्टर की कमी है ना। मुझे ये बताया जा रहा है दिन जयपुर के अंदर कि यहाँ मुफ्त जांच हो रही है। मुझे ये बताया जा रहा है कि सस्ती दवाई मिल रही है। 3 डॉक्टर है, 3 डॉक्टर आप लोग सबको संभालना चाहिए, इससे ज्यादा क्या चाहिए। मुझे ये बताया जा रहा है कि 1 रुपए किलो गेहूं गरीबों को मिल रहा है, बताओ भैया कोई है। मुझे ये बताया जा रहा है कि बीपीएल के परिवार को 50,000 रुपया अपना मकान बनाने के लिए चेक के द्वारा मिल रहा है। मुझे ये बताया जा रहा है किसान भाइयों कि आप लोगों को एक कर्जा माने ऋण मिल रहा है 1,50,000 रुपए का, जो बिना ब्याज का है, किसी को मिला है। अब आप लोग हर चीज के ऊपर तो हाथ ऐसा कर देते हो, तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जयपुर के अंदर बैठ के जो ये अखबार में देते हैं रोज रोज कि हमने इतना अच्छा काम कर दिया, मुझे एक गांव नहीं मिला आज तक जिसने मेरे को उठ के कहा है कि नहीं बात बहुत अच्छे काम हो रहे, हमारा रोड अच्छा बन गया, हमारी बिजली हमको मिल गई, हमारी महिलाएं खुश हैं, हमारे बच्चों को नौकरी मिल गई। एक भी गांव मुझे आज तक नहीं मिला जिसमें आप हाथ उठा के मेरे को ये बात कही हो। अब आपको मैं ये बताना चाहूंगी, अब तो आ गई, चुनाव का समय भी आ गया और चुनाव के समय में आप लोगों के बीच में आएंगे। हमने कई नई स्कीम्स आप लोगों के लिए चालू किए थे। भामाशाह योजना के बारे में आप लोग सबको मालूम है, उस भामाशाह योजना के अंदर 870 करोड़ रुपए हमने अलग से स्कीम के लिए रखा, और इस स्कीम के अंदर महिलाओं के द्वारा, ये सुनो माताएं बहनें, कि उन परिवारों में
महिलाओं के द्वारा और महिलाओं को प्रोत्साहित करने के लिए 1500 रुपए हमने उनके बैंक अकाउंट खुलवा के जमा करवाए थे कि उनको ये पैसा मिल जाएगा और फिर उसके अंदर पेंशन भी चला जाएगा और जो जो पैसा सरकार की ओर से आता है वो सब उसके अंदर चला जाएगा और आराम से ये हमारी जनता को मिलना शुरू हो जाएगा। इसके अंदर महिलाओं के द्वारा बीपीएल के परिवार, लघु सीमांत कृषक, एससी एसटी और भी बहुत सारे लोगों को हमने जोड़ने का इसमें काम किया था। आज इन्होंने ये काम चालू किया है। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि 4.5 वर्ष पहले अगर जो हमने छोड़ा था उसको ही पूरा कर देते तो मैं समझती हूँ कि पूरे राजस्थान के अंदर ये रेवड़ी बांटने की जरूरत नहीं होती, ये सब लोगों का व्यवस्थित रूप से मिलता। और मैं ये पूछना चाहती हूँ कि ये 870 करोड़ रुपए जो मैंने छोड़ा वो कहाँ गए? मुझे ये मालूम है कि बैंक के अंदर 200 करोड़ रुपए तो अभी भी पड़े हैं, तो 600 करोड़ रुपए कहाँ चले गए और क्यों गए? जनता के पास पहुंचे? हाँ, खा गए। जयपुर क्या, दिल्ली के अंदर तो आप जानते हो करोड़ों लाखों करोड़ों में लोग खा रहे हैं, जयपुर के अंदर भी लाखों करोड़ों में खा रहे हैं। जमीन खा गए, खान खा गए, होटल खा गए, हर एक चीज जो जनता के जेब में जाने की जरूरत थी वो सब खा गए। हाँ, वो तो ऊपर वाले कोयला तो ऊपर भी खा गए, जमीन में खा गए, हवा में खा गए, जमीन के नीचे भी खा गए। आपको जिंदा छोड़ने नहीं चाहते, ऐसी स्थिति तो इस कांग्रेस ने कर रखा है। और फिर आखिर में उनकी पुरानी लड़ाई की स्ट्रैटेजी क्या होती है? वो ये कोशिश करते हैं कि किसी भी तरीके से इन लोगों के बीच में झगड़ा करा दो। हाँ, भीलवाड़ा का, अभी तो भीलवाड़ा की आज कल रात की मीटिंग होगी, उसमें मैं कहना चाहती हूँ कि आप तो सब जानते हो कि उस मिल का क्या हुआ, कितने पैसे मिलने चाहिए थे और उसका क्या हुआ वो सब लोगों को मालूम है। परंतु मैं आज आप कहना चाहती हूँ, आप लोगों के बीच में लोग आएंगे और लोगों को उकसाने की कोशिश करेंगे। राजस्थान आगे इसलिए नहीं बढ़ सका क्योंकि 65 साल कांग्रेस ने आपको एक दूसरे के साथ भिड़ाया है, एक जात को दूसरे से भिड़ा के, एक मजहब को दूसरे से भिड़ा के कोशिश यही हुई है कि राज हमारे हाथ में रहे। आप सब जनता इस चीज को समझ गई है और भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि सबको गले से लगा के 36 की 36 कौम और हमारे सब मजहब, इन सबको लेके हम लोग आगे चलेंगे। एक नया राजस्थान बनाने का हम काम करेंगे। उस नए राजस्थान में महिलाओं के लिए जगह, बच्चों के लिए जगह, जिन बच्चों को 10 लाख नौकरी हमारे सरकार के टाइम में हमने दिया था, आने वाले सरकार के अंदर भी जो जो जगह खाली है उसको भरने का काम और उसमें हमारे नवयुवकों को रोजगार दिलवाने का काम, ये हम लोग सबको मिलकर करना है। मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहती हूँ, नया राजस्थान तो तभी बन सकता है जहाँ सब लोग खुश हों। नया राजस्थान तो तभी बन सकता है जब हमारी महिला अपने पैर पे खड़ी हो जाए। नया राजस्थान तो तभी बन सकता है जब हमारे युवा अपने खाने पीने का इंतजाम उनको हो। और नया राजस्थान तो तभी बन सकता है जब हमारा किसान मजबूत होकर अपने पैरों पे खड़ा हो जाए। परंतु आपके बीच में आएंगे, आपको डराने की धमकाने की कोशिश करेंगे। जिस तरीके से आज गुलाब कटारिया जी को बंद करने की साजिश रची जा रही है, उसी तरीके से हम सबके पीछे लोग पढ़ पढ़ के आप लोगों के बीच से हमको हटाने की कोशिश करेंगे। तो मुझे बताओ, आप लोग सब तैयार हो लड़ने के लिए? आप लोग सब तैयार हो लड़ने के लिए? आप में सब में इतनी हिम्मत है? अगर हिम्मत है तो एक जोरदार नारा मेरे साथ, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। एक जोरदार नारा राजस्थान के लिए, जय जय राजस्थान, जय जय राजस्थान, जय जय राजस्थान, जय जय राजस्थान। एक नए राजस्थान के लिए जिसमें हम सब के लिए, हम सब की व्यवस्था होगी। एक जोरदार नारा, जय जय राजस्थान, जय जय राजस्थान।